अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब खान और आप देख रहे हैं तैयब के दावड़। इस वक्त हम मौजूद हैं खेतों में। आज मैं और बहादरा खजूरों की सफाई कर रहे हैं। बहुत सा काम हमने कर लिया, जो हमारा पुराना बाग था उसकी सफाई कर ली, स्प्रे वगैरह, क्योंकि खजूरों की आजकल बहुत डिमांड है। इस वजह से हमने कहा चलो हमारे पास खजूरें ऑलरेडी मौजूद हैं, इन पर थोड़ी बहुत मेहनत की जाए। तो कुछ मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ी बहुत अपडेट देता हूँ। अच्छा जी, ये ढकी खजूर है, बहुत मशहूर है, इसका बड़ा बड़ा दाना होता है। इसको कीड़ा लगा था। कीड़े निकालने के कुछ तरीके हैं। यहाँ पर कुछ लोग इसको काटते हैं, चीरा देते हैं, अंदर जो है ना वो गैस वाली गोलियाँ रख देते हैं। मैंने जो तरीका किया उससे जो है ना ये पौधा कमज़ोर हो जाता है। हमने इस तरह किया कि स्प्रे को गाढ़ा बनाकर, जैसे नॉर्मल रूटीन पर हम इस पर स्प्रे करते हैं ताकि हशरात वगैरह इस पर ना बैठे, जिससे कीड़ा पैदा होता है। तो हमने एक गाढ़ा स्प्रे बनाकर यहाँ से इसमें डाल दिया, वो इसके अंदर चला जाता है तो फिर कीड़े रहने के चांसेस नहीं होते। अभी भी इससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है स्प्रे की, और नीचे से इसका टपार वगैरह होगा, जैसे वो बूटा है, सफाई होगी। फिर सर्दियों में इसे खाद वगैरह, ओल वगैरह भी लगी। सेम इसी तरह इस बूटे की भी सफाई की हमने। ये अगले साल इंशाल्लाह ज़बरदस्त फल उठाएंगे, और वो बहादुर शुरू है। इस बाग में काफ़ी सारे बूटे हैं जिनकी तकरीबन सफाई हो चुकी है। अच्छा बहादुरा, टपार तो देना पिया ज़बरदस्त किस्म का, इसको खाद ओल सर्दियाँ। अच्छा, ये इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, हाड़ और बिया के रसी जन दे सावन हाड़ में ज़्यादातर इसकी ये बच्चे फिर निकाल के और काश्तकारी करते हैं, और जगह काश्त करते हैं। ये देखिए ये पोजीशन है। अच्छा, इसका अगर आप इसे लगाना चाहें तो हाड़ में लगाएं, और एक बूटे से दूसरे बूटे तक तकरीबन 30 फुट का फासला मुनासिब फासला होता है। कुछ लोग इसे नज़दीक भी लगाते हैं, कुछ लोग दूर भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप 30 फुट के फासले पर लगाते हैं तो फिर आप साथ फसल वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमने इसे, जैसे मैंने पहले बताया था, स्प्रे दिया था, बादरा थोड़ा साइड पे हो जाओ, इसे स्प्रे दिया था, और बहुत से लोग इसे लोकल ज़बान में कंदेसा बोलते हैं, एक सरिया टाइप होता है, इससे कटाई करके यानी ऑपरेशन करके अंदर गोलियां रख देते हैं, उससे बूटे के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने एक मॉडर्न तरीका अपनाया, बहुत सारे लोग ये तरीका करते भी होंगे। हमने ऊपर से गाढ़ा स्प्रे बनाकर वही जो इस हशरात या इंसेक्ट टिंडिया वगैरह इनके लिए इस्तेमाल होता है वो डाला, तो उससे जो है ना ये अभी रिजल्ट आया। बहादुर दिखाओ। अच्छा, एक ऐसे थोड़ा समझा सको, ये अंडा है, एक कीड़ा है, ये जिंदा है, हाले भी। हाँ, गुड, यानी इन तख्ता ही निकता वादा। हाँ, मरा ना था। तो इसको हलाक कर ले। अच्छा, इसी ये सारे निकले खड़े आंत स्प्रे दी बो कोल। हाँ। ज्यादा मर भी गए, एक मरा हुआ है, वो किधर गया? ओ तो इतना ही फिट गया मिट्टी में। ए ये क्या कीड़ा है? ये तो सांप है। इसको मार रे बाद, इसको मार दे। अब ये हम सफाई कर रहे हैं, इसमें देखो ये जितना गंद कुछ है निकला हुआ है बाहर। बाद इसको मार सा, जिंदा न रहा ये मार। तो स्प्रे का तरीका भी मैंने आप लोग को बता दिया, करना था ख्याल, और साथ में ये सफाई वगैरह भी किया करें। और इस पर तकरीबन हर 3 या 2.5 महीने बाद अगर आप स्प्रे करें तो वो बेहतर रहेगा। आजकल स्प्रे के लिए इलेक्ट्रिक पंप आए हुए हैं, जिस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और सहूलत भी होती है, उसमें स्प्रे भी ज़्यादा स्टोर होती है। बहादुर इस दाल हवाल चा देखा, कीड़ा इसको कौन है यहाँ इनके नाल टपार बाहर देखा। अच्छा, इसके साथ माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे भी हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे, ज़बरदस्त।
बाद रात इतना इतना कीड़ा है कि ताई ये देखे इनके साथ अभी सफाई भी करेंगे और दोबारा से मैंने अभी कुछ दिन पहले इन पर स्प्रे वगैरह कर ली थी और इसका कीड़ा मीड़ा का जो निज़ाम होता है वो भी हो गया था, लेकिन अब दोबारा इंशाल्लाह इस पर जल्दी स्प्रे करूँगा ताकि इसको मज़ीद कीड़ा वगैरह ना लगे। अगर आप पहले से स्प्रे करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो टिंडड़ी या हशरात उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में इंसेक्ट वगैरह बोलते हैं, ये जो बैठती है जिससे कीड़ा जन्म लेता है वो नहीं बैठेगी स्प्रे की वजह से, अगर आप एडवांस में स्प्रे वगैरह केयर वगैरह अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन एक बार ये बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, कुछ बूटे मर भी जाते हैं। जैसे हमारे बाग में एक बूटा था, अभी वो मौजूद नहीं है, जो कि बड़ा सारा बूटा था, वो इस वजह से मर गया जी। ये सूरत हाल है बाग की, माशाल्लाह खूबसूरत है, इसका टपार वगैरह रहता है थोड़ा बहुत। इसकी ये हमने काट दी है, कांबे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में इसको, और कोशिश किया करें कि खजूर सारी ढकी वाली लगाया करें, साइडों पे ज़रूर लगाया करें। ये तो एक फारग जगह होती है और इससे ये जगह जो है ना, जगह भी ज़ाया नहीं होती और इसका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है माशाल्लाह, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वस्सलाम।